मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुछ ही दिनों पहले एक टीवी एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया। ये एक्ट्रेस अश्लील वीडियोस बनाकर एक वेबसाइट पर पोस्ट कर रही थी। 82 अश्लील वीडियोस इस एक्ट्रेस ने बनाए हैं। गहना वशिष्ठ इसका नाम है, जो अब क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। इन दिनों मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पर नजर गाड़े बैठी है और कॉन्टेंट को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी शिकायतें आई हैं कि बॉलीवुड में इन दिनों इस तरह का कॉन्टेंट बनाया जा रहा है जिससे अश्लील फैलाई जा रही है। गहना वशिष्ठ, जो कि ऑलरेडी एक ऐसे वेब सीरीज में काम कर चुकी है जो अपने अश्लील कंटेंट के लिए ही जाना जाता है, हालांकि ये काफी हिट रहा है, गंदी बात जो वेब सीरीज है उसके एक सीजन में गहना वशिष्ठ नजर आ चुकी है। अब गहना वशिष्ठ जब क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसकी टीम की तरफ से गहना को लेकर तरह तरह की बातें आ रही है कि गहना जो है वो निर्दोष है, उसे टारगेट किया जा रहा है और क्राइम ब्रांच को अश्लील कंटेंट और एरोटिक कंटेंट के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है। गहना की टीम ने दावा किया है कि जो वीडियोस उन्होंने बनाई है वो पॉर्न वीडियोस नहीं बल्कि एरोटिक वीडियोस है और क्राइम ब्रांच इन वीडियोस को पॉर्न वीडियोस समझकर उन्हें अरेस्ट करके ले गई है। इसके अलावा गहना की टीम के द्वारा कहा गया है कि गहना बहुत बीमार रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका शुगर लेवल बहुत अप हो जाता है। जब क्राइम ब्रांच उनको अरेस्ट करके ले गई तब उनका शुगर लेवल 600 था। इससे पहले भी शुगर के कारण गहना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है। अपने एक सीरियल के सेट पर वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मरने की कगार पर थी गहना, तब जाकर उन्हें बचाया गया। उनकी टीम ने यह भी कहा कि गहना को एक साथ 4 अटैक आए हुए हैं और उन्हें अस्थमा की भी प्रॉब्लम है। ऐसे में क्राइम ब्रांच को इतना इनह्यूमन नहीं होना चाहिए, गहना के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो किसी पॉन रैकेट का हिस्सा नहीं है और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है कि वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से गंदी वीडियोस शूट करवाती है, ये भी गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस दौरान धरपकड़ कर रही है अश्लील वीडियोस बनाने वालों पर। इससे पहले भी 6 प्रोडक्शन हाउसेस को क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेज दिया था। कई सारी सीरीज है जहां से सीन हटवाने की बात की गई है और इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस अल्ट बालाजी भी शामिल है, जिसको क्राइम ब्रांच का ये नोटिस गया था।